अखिलेश यादव का प्रहार, गिनती में उलझी सरकार, एनडीए नहीं इंडिया गठबंधन ही पसंद। सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे वाराणसी में जो लोग हैं इनसे, और इनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। ये बताइए कि जैसे बात हो रही है इस समय सरकार की, तो अखिलेश यादव प्रहार करते रह गए, जो गिनती में जो है सरकार दूसरे की निकल गई, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव केवल प्रहार ही करेंगे और कुछ उनका मतलब है नहीं। 2017 से जब वो सत्ता से गए हैं तब से केवल एसी रूम में बैठ कर ट्वीट करने के अलावा अखिलेश यादव कभी रोड पर काम करते हुए नहीं दिखे, कभी गरीब किसान मजदूर महिला बुजुर्ग के लिए काम करते नहीं दिखे। वो केवल गिनती में उलझुल बातों में पड़े हुए हैं। और आदरणीय मोदी जी, इतिहास में कोई सरकार तीसरी बार अपने काम पे चुनाव लड़े और 240 सीट ले जाए तो क्या बात कर रहे हैं कि गिनती और ऐसी बात। तो अखिलेश यादव के बात का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन का टूट गया है ख्वाब? जी नहीं, इंडिया गठबंधन का कोई ख्वाब नहीं टूटा है। इंडिया गठबंधन इतनी मजबूत तरीके से लड़ी है पूरे यूपी में, जितने तरीके से प्रधानमंत्री जी को जितने कम वोट से हराया गया, प्रधानमंत्री जी के माथे से पसीना छूट गया नरेंद्र मोदी जी के, उनको लगा कि हमें गुजरात जाना पड़ जाएगा, ऐसा ना हो कि यूपी की जनता उनका बुरिया बिस्तर बांध के गुजरात भेज दे। तो क्या लगता है आगे की राह किस तरह की है? आगे की राह देखिए, 2027 में भी हम लोग साथ में लड़े थे, गठबंधन इंडिया गठबंधन 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगा और हो सकता है हम लोग सरकार बना ले जाए। चलिए, हो सकता है लेकिन या मगर, ये ऐसे शब्द हैं जो बाद में ही समझ में आते हैं। क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव प्रहार किए, गिनती में कुछ और आया, सरकार एनडीए की बन गई, क्या दिखाई देता है? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो प्रहार किए थे उनके उम्मीदवारों का, मैं पूरे उम्मीदवारों का, जो भी उनके उम्मीदवार रहे, मैंने सभी का वो देखा, भाषण देखा, उसमें उन्होंने रट लगाया संविधान बदलने जा रहे हैं, संविधान बदलने जा रहे हैं। मैं उनके उम्मीदवारों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा संविधान बदल रहे थे ये लोग? केवल लोगों को मुद्दे से भटकाना, लोगों का ध्यान हटाना, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराना, केवल जाति के नाम पे ये बात करते हैं कि हम बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अरे, बीजेपी हिंदू मुस्लिम तो नहीं करती है, लेकिन आपने हिंदुओं को ही विभिन्न जातियों में बांट दिया। अखिलेश यादव पीडीए के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, शर्म नहीं आई? हिंदुओं को चार वर्णों में आप बांट रहे हैं इस समय? ये वर्ण कब बनाए गए थे और आज आप इसकी बात करते हैं? अखिलेश यादव जैसे नेता ये देश की राजनीति में एक जहर बोने का काम कर रहे हैं और इन लोगों की वजह से देश लगातार पीछे जा रहा है और पीछे जाता रहेगा अगर ऐसे लोग यहाँ पर रहे राजनीति में। मोदी जी ने, जब से मोदी जी यहाँ पर आए हैं, मोदी जी ने इन लोगों को साफ करने का काम किया है। हाँ, चुनाव है, थोड़ा परिणाम में ज़रूर निराशा रही बीजेपी के लिए, वो परिणाम नहीं आ पाया जो हम चाह रहे थे, लेकिन फिर भी परिणाम बहुत अच्छा है, सरकार बीजेपी की बन गई है। ये जो गिनती गिन रहे हैं, गिनती गिनते ही रह जाएंगे, अपनी इनकी गिनती वहीं तक खत्म हो जाएगी जहां से इन्होंने शुरू किया था। अखिलेश जी के मन में द्वंद था एनडीए इंडिया, क्या दिखाई दिया, क्या दिखाई देता है? मोदी जी का सरकार बनेगा, पूरा एनडीए सरकार एक तरफ और मोदी जी एक तरफ, वो लोग सोचते रह गए मोदी जी ने सरकार बना लिया। इंडिया ना? हाँ, इंडिया। आप इंडिया कह रहे हैं, लगता है? नहीं नहीं नहीं, इंडिया जो है और एनडीए समला सरकार बना लिया अपना एनडीए ने, और इंडिया वाले सोचते रह गए। क्या दिखाई देता है भाई साहब आपको, आने वाला जो दिन है वो, इस जो जनादेश है वो किस तरीके से दिखाई देता है? देखिए, जनादेश, जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए, जनादेश तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ इशारा कर रहा है कि जनता ने तो अपना मैंडेट दे दिया इंडिया गठबंधन को। इन्होंने जिस हिसाब से इसके पहले लड़े थे, उनका कितना वोट था, इनका वोट देख लीजिए, वोट प्रतिशत देख लीजिए, आज के समय का वोट प्रतिशत देख लीजिए, अंतर कितना घट गया है। सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से मुफ्त में जनता वोट नहीं दे देगी, जनता को काम चाहिए, जनता को बेरोजगारी और महंगाई, गैस सिलेंडर कितने का है, अभी भी 1100 रुपये का और मिल रहा है हम लोगों को। आप बता रहे उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपये में, कितने उज्ज्वला योजना में तो गैस सिलेंडर ही नहीं भराया है। भाई साहब बताइए, आपको क्या दिखाई देता है इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव ने काफ़ी प्रहार किया और बात कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है वो तेजी से उभर के आई है, क्या दिखता है आम जनता को? आम जनता को यही दिखता है जो नहीं दिखना चाहिए। मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं अपने इस उत्तर प्रदेश में, ये उनका संसदीय क्षेत्र है, अब मोदी जी ऐसा काम करने वाला इंसान न कभी हमने देखा है न कभी देखेंगे हम लोगों ने। और ये जो अखिलेश सरकार है, इनके बातों से ये लगता है वो आदमियों को गुमराह करते हैं।
ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन करा सकते हैं। वो कराते किसको, आदमी को भटका के, दूर दराज करके। यही हम मोदी जी से कहेंगे कि वो हमेशा हम लोग को साथ रहते हैं, उनके साथ हम लोग का हमेशा सहयोग रहेगा, हम उनका विकास के साथ करते रहेंगे। क्या दिखाई देता है इस बार, अभी का जो सरकार जो है अभी की वो एनडीए की बन चुकी है, पर मेजोरिटी की नहीं आज बीजेपी की जोर तोड़ की सरकार है। इंडिया गठबंधन लगातार अपने दावे को पेश करता आ रहा है, क्या दिखाई देता है? सरकार चल जाने दीजिए, 6 महीने सरकार चल जाएगी। इंडिया गठबंधन के वो तमाम सांसद, वो तमाम नेता उस गठबंधन को छोड़ के आ करके मोदी जी के शरण में, एनडीए गठबंधन में घुसने के लिए बेचैन दिखेंगे आपको। कारण 3 है। गांव तक पानी पहुंचाने का ख्वाब किसी ने नहीं देखा था, गांव तक शौचालय पहुंचाने का, इज्जत घर पहुंचाने का ख्वाब किसी ने नहीं देखा था। शहर हो चाहे गांव हो, लोगों को 2.5-2.5 लाख रुपया मिला है अपना छत बनाने के लिए, कौन सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी 3 या 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऐसी कोई योजना नहीं ले आए। तो जनता को नरेंद्र मोदी पे पूर्ण विश्वास है और ये उन सारे इंडिया गठबंधन के सांसद घेरे जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा, 2-4 महीने का चल जाने दीजिए सरकार, वो सारे सांसद अपने अपने गली मोहल्ले में घेरे जाएंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में घेरे जाएंगे कि जो मोदी जी का पैसा आ रहा है वो पैसा कैसे मिलेगा, उनके पास जवाब नहीं रहेगा देने के लिए। आदरणीय मोदी जी लोगों के लिए छत से लेकर, शौचालय से लेकर, राशन से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। यही मनमोहन सिंह की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राशन सड़ रहा है उसको जनता में बांट दीजिए। मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, कोर्ट में कहा कि मैं नहीं बांट सकता, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने दिखा दिया, जो राशन जनता का वो जनता में जाए, गोदाम में क्यों सड़ेगा? जो राशन सड़ा करके समुद्र में बहा देते थे और शराब व्यापारियों को औने पौने दाम में बेचते थे, अब शराब व्यापारियों को भी वो राशन खरीदना पड़ रहा है और जनता का हक जनता तक जा रहा है, ये मोदी जी की क्या बराबरी करेंगे? चलिए, लगातार लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको कि जिस तरीके से मैंडेट आया है, कहीं ना कहीं से मेजोरिटी किसी एक पार्टी को तो मिली नहीं है, पर एनडीए की गवर्नमेंट अभी बन चुकी है, क्या दिखाई देता है कि इस बार जो इंडिया गठबंधन का प्रयास रहा, खास स्तर पर अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्या दिखाई देता है, इसका क्या असर है? भैया, मैं तो बहुत बढ़िया प्रयास इसको नहीं कहूँगा, न ही अखिलेश यादव जी ने क्या प्रयास किया। 2012 से 17 तक उनकी यूपी में सरकार थी, उसके बाद वो 44 तक, फिर 110 तक आ गए, उसके पहले 20 साल तक यूपी में ये लोग थे। क्या इन्होंने विकास किया था? उनको सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, उसके बावजूद भी अपेक्षित सीटें नहीं ला पा रहे हैं, ये मिलजुल कर भी सीटें नहीं ला पा रहे हैं। अरे, बीजेपी ने 2009-2004 में जो कांग्रेस की सीटें थी जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो उसकी उन सीटों से भी बहुत ज़्यादा है बीजेपी की सीटें, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और ये गुमराह करने वाले, देशवासियों को गुमराह करने वाले खुद गुमराह हैं कि किस रास्ते पर जाकर अपनी सरकार बना पाएं, लेकिन ये सरकार बनाने में हमेशा नाकाम रहे थे और रहेंगे भी। चलिए, लगातार लोगों से हमने बात की, कुछ लोग और भी हैं पर खड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार जो सरकार बनी है, लगातार अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि देखने वाली बात होगी, सरकार चलती तो कितने दिन है, सरकार तो पूरी गठबंधन की है। गठबंधन की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। अब मोदी जी की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। मोदी जी का 241 सीट और इंडिया गठबंधन का 239 सीट, मोदी जी सब कोई मिलकर भी मोदी जी को नहीं हरा पाए, मोदी जी को मिलकर भी सब कोई नहीं हरा पाए। अब मोदी जी जब तक रहेंगे और हमारा सांसदीय क्षेत्र और बढ़िया चलता रहेगा। यहाँ देख लीजिए, हमेशा क्या रोड बना हुआ है, अभी नया निर्माण हुआ है इसका, इस पुल का। इंडिया गठबंधन की 237 सीट है भाई साहब, तो फिलहाल जो है वो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं से जो लोगों का विश्वास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। पर जो नतीजे आए हैं इसमें कोई दोहरा नहीं है कि अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पर सरकार एनडीए की बन चुकी है। ऐसे में आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, पर इस बार नेता प्रतिपक्ष जरूर दिखाई देगा सदन में, जो कि 10 सालों तक दिखाई नहीं दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8, वाराणसी।